हम सब चिकन की रेसिपी कई ढंग से बनाकर ट्राई करते हैं और खाते हैं, उन्हीं में से एक है चिकन कोरमा। आज मैं आपके लिए चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि इसे खाकर काफ़ी देर तक आपको इसका टेस्ट भूल नहीं पाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है और साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैं ले रही हूँ लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कसूरी मेथी और नमक। तो सबसे पहले यहाँ नमक ऐड कर दे रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे, हल्की सी हल्दी इसमें डाल देते हैं और ये गरम मसाला, और साथ ही ले लेंगे कसूरी मेथी। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, तो इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ फ्रेश दही। यहाँ पर ध्यान रखें कि दही जो है वो खट्टा ना हो। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब मैं इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख दे रही हूँ। इसके बाद एक और पेस्ट बनाएंगे जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे देता है चिकन कोरमा में। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कुछ बादाम, काजू, यहाँ पर मैंने थोड़े से मगज लिए हैं, और इसके साथ ही ले लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये सारे ड्राई फ्रूट्स चिकन कोरमा में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे देते हैं। अब इसमें डाल देंगे गरम पानी, इससे ये बहुत ही अच्छे से भीग जाएगा। और अब इसे ढककर रख देते हैं। यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये सारे नट्स बहुत ही अच्छे से भीग गए हैं। अब इसमें जो भीगे हुए बादाम हैं इन्हें मैं बाहर निकाल ले रही हूँ, और इसकी जो लेयर है बाहर का छिलका, इसे छील लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बादाम को मैंने छील लिया है, और अब इसका एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, इसे मैं साइड रख ले रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज। प्याज को लंबे टुकड़ों में मैंने कट किया हुआ है। अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, अब चलते हैं सब्जी बनाने की तरफ। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, और तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम में पकाना है जब तक कि इसका कलर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ना हो जाए। ध्यान रखें कि प्याज जले ना, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा सुनहरा हो जाता है इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा पका देंगे तो उससे ग्रेवी का कलर काफ़ी डार्क आता है। प्याज तलने के बाद उसी बचे हुए तेल में डाल देंगे चिकन जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन को जितनी देर तक मैरिनेट किया जाता है चिकन का टेस्ट उतना ही बढ़िया आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर तक आप इसे मैरिनेट करके रख सकें उतनी देर आप इसे रखें, और उसके बाद इसे बनाएं। सारा चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और उसी मैरिनेट किए हुए बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए। इस टाइम पर मैंने इसे लगभग 20 मिनट तक अच्छे से पकाया है मीडियम फ्लेम में। और उसके बाद आप यहाँ पर इस टाइम पर देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है, लेकिन इसमें अभी हल्की सी ग्रेवी है। तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे पका लेते हैं। जब तक चिकन पक रहा है उतनी देर में ये प्याज को पीस कर तैयार कर लेंगे। इसे हमें हल्का दरदरा पीसना है। प्याज को पीसते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि प्याज पूरी तरह से ठंडा हो, और पीसते टाइम इसमें पानी भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्का सा दरदरा पीसकर तैयार हो चुका है, और दूसरी तरफ चिकन का जो पानी था वो भी पूरा सूख गया है। तो इस टाइम पर ये जो हमने प्याज पीस कर रखा है इसे इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इस तले हुए प्याज को हाथ से हल्का सा क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर प्याज हल्का सा दरदरा रहेगा तो उससे ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और कोरमे की डिश में टमाटर भी यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही डाल देंगे नमक। अब नमक और मिर्च को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही गरम मसाले के लिए हम यहाँ फ्रेश ताज़ा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। होल मसालों में मैं ले रही हूँ 3 साबुत लाल मिर्ची, 1 टुकड़ा जावित्री का है, 8 काली मिर्चें हैं, 8 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी है और 2 बड़ी इलायची है। इसे हल्का सा तोड़कर इसमें ऐड कर देते हैं, और साथ ही 1 तेज़पत्ता है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ धनिया और जीरा, ये दोनों साबुत हैं। इन्हें लो फ्लेम में हल्का सा पका लेते हैं। इन सारे ड्राई मसालों को लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि इनकी खुशबू भी बनी रहे और ये मसाले भी न जलें। और कुछ देर पकाने के बाद लास्ट में ऐड कर देंगे सौंफ। कुछ सेकंड्स भूनने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि पैन अभी हमारा गर्म है। चिकन में ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट को जो हमने भिगो कर रखा था उसका पेस्ट।
इससे बहुत ही अच्छा इसका रिच फ्लेवर आ जाता है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही जो सूखे मसाले हमने भून कर रखे हैं उसका भी एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाउडर मैं इस चिकन में ऐड कर दे रही हूँ और इस मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हल्का गर्म पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन कोरमा जो बनता है उसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती है। 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि ग्रेवी बहुत ही अच्छे से पक जाए और सारे मसाले इसमें अपना फ्लेवर दे दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है और ग्रेवी बहुत ही बढ़िया हो गई है। ग्रेवी ने अपना तेल सारा अलग छोड़ दिया है। तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और इस चिकन को ढककर रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। अब यहाँ 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। इस गर्मा गर्म मसालेदार चिकन को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे मुंह में तो बहुत आ रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टाइम पर फटाफट से इसे खाना शुरू कर दूँ। वाकई चिकन की ये बहुत ही लाजवाब डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस चिकन की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें।